हेलो अनबॉक्सिंग ओप्पो F26 प्रो स्मार्टफोन दोस्तों और लेके आ चुका हूँ। आज की इस वीडियो में आपको इस स्मार्टफोन की अनबॉक्सिंग दिखाने वाला हूँ, क्या कुछ आपको स्पेसिफिक से बड़ा प्राइस वगैरह फ्यूचर्स मिल जाते हैं एंड वीडियो को पूरा देखना। अनबॉक्सिंग इसके अंदर में डॉक्यूमेंटेशन मिल जाता है और यहाँ पर सबसे पहले सिम इंजेक्टर टूल एंड हमें डॉक्यूमेंटेशन ओप्पो के एंड नेक्स्ट में फ़ोन का कवर मिल जाता है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपने स्मार्टफोन की तरफ। साथ में हमें यूएसबी की टाइप सी डाटा केबल दोस्तों मिल जाती है। तो चलिए दोस्तों अपने स्मार्टफोन की तरफ आ चुका हूँ और यहाँ पे स्मार्टफोन के डिस्प्ले पार्ट से बात करते हैं सबसे पहले, क्योंकि ये स्मार्टफोन होने वाला है काफ़ी अच्छा बजट स्मार्टफोन या सीरीज का F26 Pro 5G स्मार्टफोन। तो चलिए यहाँ पे हमें अच्छा डिस्प्ले वगैरह देखने के लिए मिल जाता है। स्मार्टफोन की डिस्प्ले की बात करें दोस्तों, इस फ़ोन के अंदर में 6.67 इंचेस का यहाँ पे एमोलेड डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाता है, जो कि पंचुअल साइड में कटआउट दिया गया है। और यहाँ पे इस फ़ोन के अंदर 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दोस्तों मिल जाता है। अगर प्राइमरी कैमरे की बात करूँ इस फ़ोन के अंदर में, तो काफ़ी कमाल का सेटअप वगैरह मिल जाता है और इसमें अच्छी खासी जूमिंग वगैरह मिल जाती है, जो कि एक अच्छा डिसेंट वगैरह फ़ोन देखने के लिए मिल जाता है। एंड जो कैमरा इशू है वो भी कोई यहाँ पे ठीक ठाक अच्छा खासा प्राइमरी कैमरा मिलेगा, वो भी है मैंने आपको बताया 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा। और इस फ़ोन के अंदर में जो कि बैटरी वगैरह मिल जाती है 5500 की मिल जाती है, यानी 5550 mAh की बैटरी है, जो कि काफ़ी अच्छा है अपने इस स्मार्टफोन से मैनेज कर पाएंगे ओप्पो F26 Pro 5G स्मार्टफोन से। और दोस्तों बात करें रिफ्रेश रेट की, तो इस फ़ोन के अंदर में 120Hz का रिफ्रेश रेट आपको देखने के लिए मिल जाता है। साथ में बहुत सारे एप्लीकेशंस भी मिल जाएंगे, वहाँ से आप अपने रिमूव कर सकते हो यानी कि अनइंस्टॉल कर सकते हो एप्लीकेशन को। तो यहाँ पे बात कर लीजिए स्मार्टफोन के पिक्चर्स की, तो पिक्चर क्वालिटी काफ़ी मेरे को अच्छी लगी है। डिसेंट कैमरा अगर दो वेरिएंट के साथ में मिलेगा, 108GB के साथ 128GB एंड 12GB के साथ 256GB वाला वेरिएंट। तो गाइस ये स्मार्टफोन आपको एंड्रॉयड 14 पे सपोर्ट रहेगा। और देखेंगे बहुत सारे स्मार्टफोन जो लॉन्च होते हैं अदर ब्रांड वगैरह, तो ये स्मार्टफोन ज़बरदस्त काफ़ी अच्छा यहाँ पे लॉन्चिंग करेगा। और उससे पहले दोस्तों आपको बता दूं, जो पिछला हमें ओप्पो का F25 स्मार्टफोन मिला था उसमें ज़्यादा बेटर कॉम्बिनेशन नहीं मिल पाया, इसे देखकर कुछ अच्छा यहाँ पे एक अच्छा प्रकार का यहाँ पे फ़ोन देखने के लिए मिलेगा। प्राइस भी काफ़ी अच्छा मिलेगा, वो कि काफ़ी डिसेंट वगैरह मिलेगा एंड कोई भी इशू वगैरह नहीं रहेगा, तो बहुत अच्छा स्मार्टफोन रहने वाला। तो आपसे मिलता हूँ।